नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में पुनः एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मित्रों। और आज इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डिकोड एंड सेंचुरी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका मतलब होता है दशक और शताब्दी, इन दोनों में अंतर क्या होता है और इसके साथ साथ पिछली जो घटनाएं हैं वो घटनाएं किस सदी में और किस दशक में घटी हुई हैं, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए इसको क्लियर करते हैं कि आखिरकार शताब्दी और दशक क्या है। मित्रों, आज का हमारा ये टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डिकोड एंड सेंचुरी, यानी कि दशक और शताब्दी में अंतर क्या होता है। इसको जानने से पहले हमें चलना होगा कि दशक में कितने वर्ष होते हैं या शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं। तो मित्रों, एक दशक में 10 वर्ष होते हैं और एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। कोई घटना हमें सदी में परिवर्तन करना है, यानी कि परिवर्तित करना है उसे, जिसे मान लीजिए कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। हरियाणा में स्थित है पानीपत का मैदान और वहीं पे हुआ था। तो इसे हमें सदी में कन्वर्ट करना है और दशक में, यानी कि कौन सी सदी रही होगी और कौन सा दशक रहा होगा। तो मित्रों, इसको जानने से पहले हमें जो है इसके दो भाग को हम लोगों को तोड़ना होगा। जैसे ये 1500 प्लस 26, अब हम इसे 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करने के लिए ये 2 शून्य नीचे और 2 शून्य ऊपर, ये कट गया और ये आपका 15 बचा, यानी कि ये 15वीं सदी हुआ। लेकिन ये 26 वर्ष और आगे जा रहा है, यानी कि इस 15 वर्ष से आगे 26 वर्ष और आगे जा रहा है। तो हम 15 ना लिख करके हम इसे लिखेंगे 16वीं सदी, 16वीं सदी। कहने का मतलब है कि जो 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये 16वीं सदी की घटना है। इस तरह से हम कन्वर्ट करके समझ सकते हैं। हाँ, अगर यहीं पे ये भी पूछ लिया जाए कि ये जो है चौथा दशक रहा होगा इसमें, तो दशक ज्ञात करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, 10 से जो है भाग करेंगे। तो हम यहां से 10 से जब भाग करेंगे तो 10 दूना हो जाएगा 20 और 6 बच रहे हैं, दशमलव बढ़ाएंगे और 10 × 6 = 7 हो जाएगा। यानी कि ये जो 2 है ये हमारा जो है 2 दशक हो गया, 2 दशक हो गया और आगे 6 है, यानी कि 6 वर्ष जो है और आगे जा रहा है। तो ये जो 6 वर्ष आगे जो जा रहा है, यानी कि हम इसे जो है 3 दशक के रूप में मान लेते हैं। जैसे इसको हमने माना था कि यानी कि 15वीं सदी और फिर ये आगे जो 26 वर्ष और आगे जा रहा है, यानी कि अगले वर्ष में, उसको हम कन्वर्ट करके इसमें जोड़ लिए जिसे 16वीं सदी। ठीक उसी प्रकार से जो ये 2 दशक बना और 6 वर्ष और आगे जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से इसमें एक और आ जाएगा और ये 3 दशक हो जाएगा, 3 दशक। कहने का मतलब है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, ये 16वीं सदी का और 3रे दशक में ये युद्ध हुआ था। ऐसे ही मान लीजिए इस समय पूरी दुनिया कोरोना से पीड़ित है और 2020 चल रही है। कभी इतिहास में इसका भी नाम आएगा कि कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में कभी फैली हुई थी। तो मान लीजिए 2020 में यह फैली हुई है, आइए इसको भी देख लेते हैं, 2020। तो इसको सदी में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले 2000 प्लस 20 लिखना होगा, फिर इसे सदी में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर इसे 100 से हम जो है भाग करेंगे। ये 20 नीचे कटा और 20 ऊपर कट गया, यानी कि ये हमारा आ गया 20।
यानी कि 20वीं सदी तो है लेकिन 20 वर्ष और हम आगे चल रहे हैं, इसलिए ये 20 ना होकर के ये आपका हो जाएगा 21वीं सदी। कहने का मतलब है कि जो कोरोना जैसी महामारी जो फैली हुई है 21 सदी की बात हो रही है, ये 21वीं सदी की बात हो रही है। आइए इसे हम दशक में कन्वर्ट करते हैं। तो दशक में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम जो है 10 से जो है भाग करेंगे, तो एक सुनना ये कट जाएगा और हमारा ये बचेगा 2, यानी कि 2 दशक। कहने का मतलब है कि कोरोना जैसी जो महामारी फैली हुई 2020 में, ये 21वीं सदी की घटना है और दशक कौन सा है, हमारा दूसरा दशक है। 21वीं सदी के दूसरे दशक में ये कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। तो मित्रों आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि दशक और शताब्दी में क्या अंतर होता है। तो मित्रों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।